नमस्कार, स्वागत है आपका एनी टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ स्वाति। आज की ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इस बीच महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ और जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इस घटना की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, ऑक्सीजन लीक हादसे में अब तक 22 लोगों की जान गई जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद पूरे इलाके में ऑक्सीजन गैस फैल गई। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को आना पड़ा और हालत पर अब काबू पा लिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से हालत बेहद खराब है और कई जिलों में ऑक्सीजन की भारी कमी भी है। इस कारण कई मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था कि हवाई मार्ग के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई राज्य में करवाई जाए ताकि मरीजों को सही समय पर ऑक्सीजन मुहैया हो सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए एनी टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।